पिताजी आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? पूजा होने के बाद मैं खुद आपको बुलाती हूँ ना। मेरे अंदर के डर ने तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारियों को याद दिला दिया, जिससे मैं जग गया। पिताजी मैं बचपन से सूरज की किरणें निकलने से पहले मंदिर को साफ सफाई करके शिव जी को खुद सजाती हूँ, फिर आपको ऐसा डर क्यों है कि मुझे कुछ हो जाएगा? पिताजी पिताजी ये क्या हो गया? आप क्या अपने ख्यालों में खो गए? अब किस दुनिया में चले गए? अरे कुछ नहीं बेटी, ये क्या सारा तेल खत्म हो गया? एक दो दिन में ही नाग पंचमी भी है। इस नाग पंचमी के दिन इस मंदिर को बने 150 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसा क्या? धूमधाम से नाग पंचमी को मनाने की मेरी इच्छा है, पर यह होगा मुझे इसका भरोसा नहीं। ये तो सच है, स्वामी जी की संतुष्टि से पूजा भी नहीं कर पाते हैं। क्या शिव जी के मंदिर में गांव से कोई भी नहीं आता? कम से कम स्वामी जी के प्रसाद के लिए, दान देने के लिए, दूध तेल चावल के लिए कोई भी नहीं है क्या? मेरे शिव जी के मंदिर की ये हालत मेरी वजह से हुई है ना? नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पिताजी आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सच छूट हो जाएगा। आप मुझे पवित्र मानते हैं, लेकिन मुझे पता है इस मंदिर में मैं पैदा हुई हूँ, इसी वजह से गांव के सभी लोग शिव जी से दूरी बना रखे हैं ना। शिव जी के मंदिर को त्याग कर वो नए मंदिर में धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। मेरी जन्म की वजह से ये सब हुआ है ना। मैंने कभी भी शिव जी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बहुत धूमधाम से पूजा करता रहा हूँ। हाँ पर आजकल पिताजी मुझे नहीं पता मैं किसकी बेटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया है। मैंने आपकी जिंदगी को आंसुओं दुखों सबसे भर दिया, उसके बावजूद आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं पिताजी? दोबारा अगर ऐसी बात करोगी ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। अच्छा चलिए ये बताइए, हर साल की तरह धूमधाम से नाग पंचमी मनाना चाहते हैं कि नहीं? पक्का है ना? तो हम ये शिव जी को अवसर जरूर देंगे और देखिएगा मंदिर में गांव के सभी भक्त जरूर आएंगे, ठीक है? गांव वालों ने तो हमारी बातों को अहमियत देना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, ऐसे लोगों से भला मंदिर में आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? पिताजी वो क्यों नहीं आएंगे? मतलब वो जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी जो चाहते हैं, है ना? हाँ पर तुम कोई शरारत तो नहीं करोगी ना? नहीं नहीं पिताजी, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में पहले से दुख है। आपको मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा, आपकी जिंदगी दुखों से भर गई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी पिताजी।